आपण पाहत आहात मेट्रो सिटी लाइव। भारताच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा शपथविधी सोहळा संपन्न झाला। देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांनी आज राष्ट्रपती पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली। सकाळी 10:30 वाजता संसद भवनात शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला। भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी द्रौपदी मुर्मू यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली। काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत यशवंत सिन्हा यांचा पराभव करत द्रौपदी मुर्मू विजयी झाल्या होत्या। द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपती होणाऱ्या पहिल्या आदिवासी महिला ठरल्या आहेत। तर त्यांनी शपथविधीनंतर भाषणही केलं। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों के प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।